हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कांग्रेस के रोहतक से प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। मंगलवार को झज्जर के गांव के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा सांसद बनते हैं तो लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश में मोदी सरकार बन रही है और दीपेंद्र को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, ऐसे में वो विकास के काम नहीं करवा पाएंगे। धनखड़ ने कहा कि देश की मोदी सरकार के 5 साल के कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले बेमिसाल काम किया है। कि ये जो 5 साल मोदी जी को मिले हैं, ये 5 साल मनमोहन को मिल जाते तो देश किसा होता है। एक बार यू सोच लो कि अगले 5 साल राहुल में मिल जाए तो देश किसा हो जाएगा जी। भाई यार सोचने की बात है, वोट के न जाओ जब इस बात का ख्याल कर लियो। फिर भाई अपने रेलवे स्टेशन पे दो तरह की रेल चलती है, एक रेल चलती है जो उन्हें संटिंग करी जा, वो डब्बे नहीं नान करते, वो डब्बे नहीं नान करते, वो डब्बे नहीं नान करते। और एक रेल इसी चलती है कि जो दिल्ली जावे, चंडीगढ़ जावे, रेवाड़ी जावे, तो रेल संटिंग वाली चाहिए या किधर जान वाली चाहिए। तो 5 साल में जो रेल आपने एमपी के नाम की चला रखी थी, वहां किधर जा थी, संटिंग करे थी, वहां किधर जान की थी नहीं। अपोजिशन का आदमी सेंटिंग कर सकता है कि जा नहीं सकता, और जाता आता है जिसकी वोट काम आती है तो सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट की काम आती है, बाकी की काम आती नहीं।